मेरा पैर जला दिया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एकदम मस्त सा धूप मेरे चेहरे पे आ रहा है। और मतलब कि काफ़ी देर से मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है भाई ऐसे धूप में। और ऐसा ही अगर वेदर बना रहे ना तो फिर दिक्कत ही क्या है। और देखिए, अंकल जी भी सुबह सुबह निकल चुके अपने ड्यूटी के लिए, तो सभी अपने काम पे निकल चुके, हमें भी जाना है अपने काम के लिए। तो फिलहाल जो अभी हम घर के बाहर बैठे हुए हैं, मेरे को करीबन आधा घंटा और लगना है। क्यों? क्योंकि हम अभी वीडियो को अपलोड पर डाल रखे हैं और वाईफाई से कनेक्टेड है मेरा अभी फ़ोन, जिसके कारण थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा मेरे मोबाइल के नेटवर्क के कंपैरिजन में। तो फिलहाल अभी मैं आपको सिम्बा को दिखाता हूँ, सिम्बा भी यहीं पे है, तो उसको भी थोड़ा सा सोचा मैंने धूप खिला दूँ। और उसको भी धूप खिलाने के बाद फिर हम लेके जाएंगे उसको आज शॉप पे। तो चलिए फिलहाल चलते हैं शॉप। तो अभी हम जा रहे हैं शॉप पे, और घर पे जो भी छोटा मोटा काम था लाइक सिम्बा को खाना वगैरह देना, वो सब मैंने कर दिया। और अभी शॉप के लिए निकल चुके हैं। ठंड में थोड़ा सा हमारा शॉप ना, मतलब जिस टाइम पे खुलना चाहिए उससे ज़्यादा लेट हो जा रहा है। लगभग 8 बज जा रहा है हमारा शॉप खोलने में, 8:15। एक्चुअली इतना देर होना नहीं चाहिए क्योंकि मोहल्ले का शॉप है, लोग जल्दी जाग जाते हैं। अब क्या करें यार, शरीर में जो है आलसपन इतना है, ठंडा इतना लगता है। कोई नहीं, बात करते करते फिलहाल हम पहुँच चुके हैं शॉप पर। तो देख ही सकते, एक प्लास्टिक उड़ के आई हुई है यहाँ पर, तो इसको हटाते हैं, झाड़ू करते हैं, पानी मारते हैं, देन अपना दिन स्टार्ट करते हैं। भगवान भोलेनाथ का नाम लेके, जय भोलेनाथ। तो भाई अभी जो है ना, फिलहाल शॉप हमने कंप्लीट मतलब पूरे तरीके से ओपन कर दिया, साफ सफाई एंड ऑल हो गया, बस पूजा करना बाकी है। पूजा करेंगे हम थोड़ी देर में, और बाहर बैठे हैं शॉप के सामने, मत सा धूप सेक रहे। और ब्रेकफास्ट के लिए शायद आज हम घर जाएंगे या फिर मंगवा लेंगे घर से, वो तो आपको पता चल ही जाना है क्योंकि आप तो हमारी वीडियो अंत तक देखते हो, तो आपको तो पता ही होगा कि क्या है हमारा डेली रूटीन। तो फिलहाल जो है कस्टमर्स वगैरह कुछ आए हैं, उनको माल वगैरह देते हैं, टाइम फिर हम आपके वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी जो है ना, टाइम हो चला है हमारा ब्रेकफास्ट का, और ब्रेकफास्ट लाने के लिए मैंने भेज दिया है, और देखते हैं कितने देर में आता है। वैसे अभी टाइम बता दूँ आपको, अभी जो है ना 10:43 हो गया है, मतलब काफ़ी देर हो गया है। यूजुअली ब्रेकफास्ट जो है 9 बजे तक कर लेना चाहिए, और बहुत बार ऐसा होता भी है कि हम कर लेते हैं, बट शॉप पे रहने के कारण ना मतलब टाइम टेबल हर चीज़ का बिगड़ रखा है, मतलब सबसे ज़्यादा तो खाने पीने का तो कोई पहला टाइम है नहीं। तो गाइस अभी जो हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, और आज फिर मैंने ब्रेकफास्ट जो है बाहर से मंगवाया। तो चलिए बिना देर के ब्रेकफास्ट को ख़त्म करते हैं, देन वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज जो है ना, हम सोच रहे हैं कि सिम्बा को आज नहला दें, क्योंकि आज उसका लाइफ का फर्स्ट बाथ होगा, क्योंकि जब से वो इस धरती पे आया है उसको आज तक एक बार भी नहीं नहाया गया। और आज का जो धूप है ना, इतना ज़्यादा कड़क है कि मेरे ख्याल से नहीं लगता उसको अगर हम नहला देंगे आज तो कोई दिक्कत होगा, क्योंकि नहला के फिर धूप में अच्छे से हम उसको सुखा देंगे। तो उसके लिए करना क्या होगा कि आज ना शॉप हमें 1 बजे जैसा बढ़ा देना होगा, बंद कर देंगे, और फिर 3 बजे हम शॉप पर वापस आ जाएंगे। और फिलहाल जो है माल हमारा उतर रहा है, तो माल जो है इस गाड़ी में है, और माल उतरने के बाद इसको हम अच्छे से रैक में सजा देंगे, सजाने के बाद फिर हम घर निकलेंगे। तो गाइस अभी जो है मैं घर आ चुका हूँ, और एकदम फ्रेश हो चुका हूँ, नहा वहा लिया है, सिम्बा को भी आज नहाया, बट पता है सिम्बा को आज फर्स्ट टाइम नहाया, और हम उसको वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि ना मेरा फ़ोन डेड था, और जिसके कारण शूट नहीं कर पाए। तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्बा को नहाना था, तो वो मैंने उसको नहा दिया। फर्स्ट टाइम नहाने में बहुत दिक्कत हुआ बेचारा, पानी शरीर पर डालने से ना पूरा छटपट छटपट करने लगा, बट फिर भी हमने उसको नहा के ड्रायर से उसके बाल हमने सुखाए, देन उसको हम धूप में रखा, खाना भी दे दिया। और अभी जो है फिलहाल हमारा लंच भी आ चुका है, तो आज से जो है बिना देर के लंच कर लेते हैं। तो लंच में आज क्या है वो मैं आपको दिखा दूँ। तो हमारे लंच में है चावल, दाल, आलू गोभी मटर की भुजिया और केले का भुजिया। तो लंच एकदम सादा सा है और काफ़ी पौष्टिक। तो चलिए फटाक से लंच को कम्प्लीट करते हैं, देन इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज अभी जो है अपना लंच कम्प्लीट हो चुका है। तो गाइज अभी जो है हमारा प्लान चेंज हो गया है, हम शॉप जाने वाले थे बट हम शॉप नहीं जा रहे, शॉप अब हम कल जाएंगे, आज अपना शॉप सारा दिन क्लोज रखेंगे। अभी जो है फिलहाल हम जा रहे घूमने, शॉप आज नहीं खोलने वाले, शॉप हम कल ओपन करेंगे अब। तो चलिए फटाक से निकलते हैं। बोलना है, बोलो संबोध मुक्कर। तो गाइज चले निकलते हैं। तो गाइज अभी जस्ट हम घर से निकल ही रहे थे, मतलब निकलने ही वाले थे, तो फ्लिपकार्ट से फोन आया, और ये देखिए क्या है, रॉयल कैनिन, जो कि मैंने सिम्बा के लिए मंगाया है। बहुत बड़ा है।
अभी ये सिम्बा खाएगा और एकदम हट्टा कट्ठा मस्टंडा बन जाएगा। तो गाइस अभी जो है हम आ चुके हैं उधर मिष्ठान भंडार और हमने यहाँ पे ऑर्डर करा है समोसा और उसके साथ कुछ स्वीट्स है, तो वो जैसे ही आता है वो हम आपको दिखाते हैं। देन फिर यहाँ से निकलेंगे और जाना है इसके बाद हमें मेन रोड। I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a... Simba, Simba, hum ghar aa gaye. Lo. Jumbo ko uthaa liye. Guys, abhi jo hai, main aur Ayush bonfire ka maza le rahe hain aur bahut tez ho chuka hai aag. Papa? Haan, bolo, bolo. Tum log lakdi jala rahi to pata hai. सबको पता है लकड़ी जलाता है कोई, पर अभी हम इन्हें हाथ आग में लेके दिखा दो। ऐसे ऐसे नहीं, आग से खेला नहीं करना चाहिए। तीन चीज से हमेशा बच के रहना चाहिए, आग, पानी, बिजली और ऐसे हवा को भी बोला जाता है। तो इन चार चीजों से कभी खेल नहीं करना चाहिए। पानी तो गाइस फिलहाल जो है हमें मजे लेते हैं। पानी से क्यों नहीं? पानी जैसे बहुत ज्यादा पानी है कहीं, तुम शाबाशी दिखाएगा कि हम जा रहे हैं पानी में तैरेंगे ही करेंगे, तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। डूब जाएगा और कोई बहुत और कोई आएगा भी नहीं, अपना चिंता करेगा। सही बोले, उधर बहने से अच्छा आए नहीं आनी। सही बोले, और आग से खेलेंगे। पर गर्म में हवा डालते तो वो कैसे आग देने लगता है? ठंडा होता है हवा तो कैसे आग देने लग जाता है? वो मिलता है ना उसको उसी से। बहुत शैतानी कर रहा तुम बाबू, आग से बार बार खेल रहा है, नहीं करो ऐसे बदमाशी। तो अभी जो है हम बाहर से मस्त एकदम आग ताप के आ गए हैं और आग तापने में तो बहुत मजा है, बट ना अभी जब हम अंदर आ गए तो बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है, क्योंकि बाहर जब हम थे तो उस टाइम का टेम्परेचर कुछ और था हमारे बॉडी का, क्योंकि एकदम आग के सामने बैठे थे, पूरा पैंट वैंट एकदम गर्म हो गया और पैर खुजाना स्टार्ट हो गया, और फिर भी पैर नहीं हटाया, बहुत मजा लगा। बट अभी फिर से ठंडा लग रहा है और अभी जो है ना डिनर का भी टाइम हो गया और टाइम जो अभी हो गया मेरे ख्याल से 9:15 बजने वाला है। एक बार मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, रुक जाइए। ये हटाया मैंने स्लीव्स और एक करा मैंने घड़ी को ऐसे और ये रहा टाइम, 9:05 हो चुका है। तो यूजुअली ऐसे भी हम शॉप से आने के बाद इसी टाइम पे खाना खाते थे, डिनर करते हैं, और अभी आज जब छुट्टी ले रखी है हाफ टाइम की तो भी वही टाइम है हमारा। तो चलिए फटाक से डिनर कर लेते हैं और आज हम डिनर में क्या खाने वाले हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो गाइज हमारा डिनर आ चुका है और आज डिनर में है आलू और चना का सब्जी एकदम ड्राई वाला और उसके साथ है पूड़ी। तो बिना देर के जो आयुष पीछे नौटंकी कर रहा है, तो बिना देर के डिनर कर लेते हैं। आयुष पता है क्या किया आज? आयुष मेरा पैर जला दिया बाहर, आग जलाया था। तो गाइज अभी जो है हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका और डिनर कंप्लीट होने के बाद अभी हमारे हाथ में है गर्मा गर्म चाय और फटाक से इस चाय को टी, आयुष का इंग्लिश सुन लीजिए, टी टी टी, तो फटाक से पीते हैं टी। मस्त एकदम। तो आज का जो हमारा दिन, आधा दिन हमारा काम में बीता है, आधा दिन हमारा घूमने में बीत गया और बाकी जो टाइम है अभी खाने पीने में बीत रहा है। तो यही था हमारा आज का ब्लॉग, आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो गाइस, माय न्यू व्लॉग। नो सिम्बा, तो गाइस अभी जो है अपना प्लान पूरा चला, तो गाइस अभी जो है